दोस्तों, जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो अभिवादन जरूर करते हैं। वेस्टर्न कल्चर में इसे हाय हेलो कहते हैं, पर भारत में ये संबोधन हर एक जाति, पंथ या संप्रदाय के अनुरूप होता है, जैसे कि जय माता जी, जय श्री कृष्णा या राम राम। परंतु दोस्तों, जब गोस्वामी समाज के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को ओम नमो नारायण से अभिवादन करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर गोस्वामी ओम नमो नारायण का संबोधन क्यों करते हैं। दोस्तों, नारायण शब्द भगवान विष्णु का ही एक नाम है और गोस्वामी जब भी मिलते हैं तो वे भगवान विष्णु के ही सम्मान में एक दूसरे को ओम नमो नारायण कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसमें निहित नारायण को नमस्कार करते हैं। ओम नमो नारायण यानी कि भगवान विष्णु, मैं आपको नमन करता हूँ। यहाँ व्यक्ति गौण है, लेकिन उसमें निहित आत्मा को नारायण स्वरूप मानकर नमन किया जाता है। इसके संबंध में एक दूसरी मान्यता ये भी है कि गोस्वामी वास्तव में एक साधु समाज हैं और साधु संन्यास के समय ही अपना पिंड दान कर देता है, जिसका अर्थ है कि उसका सांसारिक व्यक्तित्व अब मर चुका है और अब जो शेष है वह नारायण का ही स्वरूप है, और इसलिए जो भी उनसे मिलता है अभिवादन के रूप में उसके नारायण स्वरूप को ही नमन करता है। दोस्तों, ये तो रही अभिवादन की परंपरा, परंतु ओम नमो नारायण के प्रत्युत्तर में आखिर क्या कहा जाता है? तो प्रत्युत्तर में अक्सर दो अलग अलग संबोधन है, जिसमें से एक है नमो नारायण, और इस संबोधन का प्रयोग ग्रस्त गोस्वामी करते हैं, जिसका अर्थ है मैं भी आप में निहित भगवान विष्णु को नमन करता हूँ। दूसरा संबोधन है नारायण हरि, इस संबोधन का प्रयोग अक्सर सन्यासी करते हैं और वो भी तब जब कोई ग्रस्त उन्हें ओम नमो नारायण का अभिवादन करता है, और इसका अर्थ है नारायण आपका नमन स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।